तुमरी महिमा बरन ना सकूं, तू ठाकर ऊच भगवाना, तुमरी शरण तुम्हारी आसा, तुम ही सजन सोहेली, राखो राखन हार दया, नानक करके गोले, फिरत फिरत प्रभ आया, पर्यातो शरणाई, नानक की प्रभ बेनती, अपनी भगती लाई। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ, सलोक महला पहला, गौ ब्राह्मण को कर लावो, गोबर तरना जाई, तोती टिक्का दे जप माली, तान मलेच्छा खाई, अंतर पूजा पड़े कतेबा, संजम तुरका पाई, छोटी ले पखंडा, नाम लइए जाए तरंदा, छोटी ले पखंडा, नाम लइए जाए तरंदा। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। गुरु दिशा जी निवाजी, गुरु रूप गुरु प्यारी साध संग जी, वडभागी हर संगत पावे, भागहीन परम चोटा खावे, बिन भागा सत संग न लभे, बिन संगत मैल भरीजे जीओ। वड्डे भागिया हाले हाँ, ये सोहना ये अमृत वेले का सानू गुरु साहब ने रोजाना का समा बख्शिश किया है। आओ जो अपनी लड़ीवार कथा, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की पवित्र बाणी, आशा जी की वार की बाणी की सोलहवीं पौड़ी अज आरंभ हुई है। पहला श्लोक है, दो श्लोक हैं। धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे, वेखो पिछे पौड़ी विच चार श्लोक आए सी, इस पौड़ी विच दो, किसी विच पंज भी ने। इस तरह आशा जी की वार की बाणी अज सानू सच्चे पातशाह इसलिए दस रहे हैं कि तू पखंडवाद छड़ दे, छोड़ी ले अखीरली तो कड़ी है, छोड़ी ले पखंडा, जो धर्म के नाँ से आप सारे ही पखंड करने हैं, क्योंकि एक आशा जी की वार की बाणी ऐसी है जिन्हें ना राजनीतिक बख्शिया है, ना पंडित बख्शिया, ना मौलिए बख्शिया, ना कथावाचक बख्शिया, ना कविश्रीय बख्शिया, किसी ने भी नहीं बख्शिया। गुरु साहब ने सच की कसौटी ते लाया भी जो जो भी किसी तरह भी तू पखंड करना है, सब पखंडवाद छड़ दे, इको वर्गा हो जा, तां तेरी गल बनेगी जियो निर्मल बाहरों निर्मल, जिहो जा तू अंदरों है ओहो जा बाहर हो जा, फिर तेरी गल बन जाएगी। ते नाम तो बिना, इस बाणी का भाव है अज दे शब्द का, नाम तो बिना नहीं तरिया जाना जी, नाम लइए जाए तरंदा, नाम तो बिना नहीं भाई तरना तरिया जाना, क्योंकि ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए। इस तरह इनकी उथानका जड़ी है इस तरह की है। धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी एक पतन ते खड़े हैं, ते उधरों ब्रह्म गौ ब्राह्मण तो शुरू है ना, गौ लैके ब्राह्मण आ गया, ते ओ पार लंघाना चाहता है अपनी गां, ते उदो टैक्स ला दे सी, टैक्स जिवें हुण भी टैक्स लगता है अपने, आपां रोड ते जाने आ ना, ते राह दे विच अपने कोल किसी रूप में टूल टैक्स हो जाए, किसी रूप में टैक्स वसूल करते ने। उस तरह उस मुसलमाना दा राज सी, वह भी टैक्स लाते सी, जे कोई भी चीज़ पार करनी है, किधरे भी जाना, तुसी
उनका टैक्स देना पैंदा सी। सच्चे पातशाह जी पत्तन ते खड़े हन, किते भी ला लो, कोई हरिद्वार कहिंदा है, कोई किते कहिंदा, चलो किते भी ला लो, गुरु साहब खड़े हन। ते उधरों जिहड़ा लंघाण वाला वह खत्री सी, खत्री ने लंघाणा सी, पर वह भी टैक्स लै रहा सी क्योंकि उनका गुलाम सी। किन्हां दा गुलाम सी? मुसलमाना दा, नौकरी करदा सी। महाराज उन्हूं समझा रहे हैं इस तरह ज्यों ही लंघाण लगे तो वह कहिंदा भी मैं तां टैक्स लवांगा। वो जिहड़ा ब्राह्मण कहिंदा भी तू तां इहदी पूजा करना है। खत्री नूं कहिंदा भी तू तां गऊ की पूजा करना, चौंका सुचा करना, इहदे नाल जाके फिर तू इहदे गां तों टैक्स लै रहा। इस तरह की गलबात है। उदों ही गलबात करद्या करद्या वह गऊ ने गोबर कर दिता, क्योंकि जो गुरबाणी दे विच उह आपां नूं व्याख्या करनी पैनी, गोबर कर दिता, गोया करता। मान लो उहनें चुक के सामभ के ते आपणा चौंका सुचा किया। महाराज उहदे ते चोट कर रहे ने भी एक पासे तू टैक्स ला रहा, एक पासे तू चौंका सुचा कर रहा, ये क्यों पखंडवाद कर रहा है? इस तरह सच्चे पातशाह आओ अज दे शब्द दे विच सानू की समझा रहे हैं। सलोक महला पहला, पहले पातशाह धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह दी बाणी। गौ ब्राह्मण को कर लावो, गोबर तरन न जाई। कहिंदे तू गौ ते भी टैक्स ला रहा है, ब्राह्मण नूं भी कहना मैनु टैक्स दे, पर किहो जी अचरज गल है, गोबर तरन ना जाई। ये गोए ने तैनू तार देना, इत्थे हुण आपां वी समझ बाहरले पेका ने सानू तार देना जी, नहीं तारना जी। पेख दकाए जगत को, लोगन को वस कीन। भाई साहब कहिंदे ने कि जे तुसी बाहरले भेख करके लोगों नूं वस कर लोगे, पर परमेश्वर ने नहीं रीझना जी। धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह दे जपजी साहब जी की बाणी में जी कहिंदे ने भी मान लो जे जुग चारे आरजा, तेरी चार जुगां जिनी उम्र हो जाए जी, चार जुगां जिनी, जे जुग चारे आरजा होर दसूनी होए। चल दस गुणा होर ला लै भी चाली युग मान लै, इन्ना तेरा सत्कार हो गया मैं चाली युग उम्र वधा ली। जे जुग चारे आरजा होर दसूनी होए, नवा खंडा विच जानिए। इन्ना तो नाना नहीं किसी का चलता हुंदा, वेखो ये बारला पेख, महाराज बारले पेख ते चोट मार रहे ने। नवा खंडा विच जानिए, नाल चले सब कोई तेरे मगर, सारे तुरदे नहीं, तुरदे ही नहीं भाई। अज भी उही चंगा नाम रखाए कै नाम भी बड़ा सांझा जिहा रखा लैंदे, पता बाद लगता भी पुट काम किड्डे पुठे सी, जेल च बैठा। चंगा नाम रखाए कै जस कीरत, सारी दुनिया का जस ले लै लिया, पर जे तू परमेश्वर की नज़र दे थले ना आया, जे तिस नज़र ना आवई तां वात ना पुछे। ते एहो जिहा बंदा गया किधर जी, एडा वड्डा बंदा इन्ने मगर तुरदे होए, नवा खंडा विचों दा ना चलदा पिया, इत्थे तां चलदा पिया ना, पर उत्थे उत्थे की होएगा? कीटा अंदर कीट कर, दोषी दोष तरी। उत्थे तेरे ते दोष लगनगे। इस करके भाई आपां वी किसे तरह दा पखंडवाद, जे गुरु साहब कल्ला इहने उहनूं नहीं कह रहे खत्री नूं भी तू पखंड छड़ दे, छोड़ी ले पखंडा, नाम लिए जाए तरन दा साडे कोल वी नहीं तरिया जाणा। बाहरले भेख असीं जिन्ने मर्जी बना लईए, बाहर दिसे चानना दिल अंधियारी रात। अंदर तां काली बोली रात पई पई है, बाहर चिट्टे कपड़े ने। बड़ी चोटा मारियां ने गुरु साहब ने, गली जिना जप मालिया। ये बाबा कबीर जी दे शब्द ने, कहिंदे गलां विच बड़ियां माला पाईयां ने, बड़ा सोहना बाणा पाया। गली जिना जप मालिया, लोटे हाथ निवग। बड़े चमकदे लोटे फड़े हुए ने, लोटे हाथ
निवाग पर महाराज कहने आया कि नहीं हर के संत न आकिए बनारस के ठग हुण साडे विच नहीं फिरदे ठग आ किन्ने नशर हुंदे पए ने दिनों दिन बैठे किथे ने कोई चरण घाट ते बैठा है कोई किते बैठा ते नशर हुंदे पए ने पर इह कसूर साडा वी है भाई जे सानू पातशाह जी मैं कल भी इतने गुरमुखा नाल रिकॉर्डिंग करते पे ने इन्हां नाल गल कर रहा सी जे किते पातशाह दा सी हुकम मन्या हुंदा धन गुरु ग्रंथ साहब जी दे लड़ लगे हुंदे गुरु गोबिंद सिंह जी दा बचन मन्या हुंदा आग्या भई अकाल की तभी चलायो पंथ सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ जे गुरु ग्रंथ ते लड़ लगे हुंदे सानू कोई लुट के लै जांदा साडा कोई शोषण शरीरक शोषण कर लेंदा मैं कहना अखां मीच के सोचो गुरु ग्रंथ साहब जी हुण कमरे दे विच सारी रात मेरी बीबी भैन बाणी पढ़े कोई शक नहीं करेगा जे अंदर बाबा बैठा किसे तरह भावे सच्चा ही होवे बिलकुल सच्चा है कोई किसे धर्म दे अंदर मैल नहीं पर फिर भी वेखण वालियां नूं शक दी निगाह नाल वेखणगे इस करके साडा देहां तो कैड़ा चढ़ाया सी भाई अज शब्द दे लाड़ लग जो कल लग जो भला तुहाडा शब्द नहीं करना है भेख ने नहीं करना जी जो पातशाह छोड़ी ले पखंडा पखंड सारे छड़ दो नाम लिए जाए धरन दा वध तो वध नाम जपो भाई आओ दो मिनट आपां भी सारे जप लईए सानू भी पातशाह नहीं कहा तुसीं भी नाम जपो जे तुसीं तरना तां भाई तरन दा इको एक तरीका है मिल साध संगत भज केवल नाम नेत्र बंद करो संगत जुड़ी है करो कृपा दो मिनट सारे वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी इस तरह शब्द ने तुहानू अंदरों जगाना सतगुरु शब्द उजारो दीपा शब्द ने तुहानू जगाना जे भाई नहीं तो बाहर दिसे चानना दिल अंधेरी अंदर तां काली बोली रात पई पई इंदा नाम तेरा दीवा नाम तेरो बाती क्यों बारले दीवियां दे पड़े मेरे वेखो साडे गुरु घरां विच भी जोतां जगदियां नहीं ना जी जोत दा पहले मतलब की सी जोत दा मतलब हुंदा सी कि सिर्फ चानण वास्ते घ्यो पांदे सी देसी घ्यो दी खुशबू बड़ी वधिया हुंदी सी उदों लाइट दा प्रबंध नहीं सी ते हुण क्यों जोतां जगा रहे जी नहीं जगनियां चाहीदियां हुण लाइट है जे लाइट चली गई इनवेटर है इनवेटर जवाब देगा जनरेटर है ते फिर क्यों घ्यो फूक रहे जी सारे गुरुद्वारे चलते हैं ना जी ते पखंड नहीं असी क्यों नहीं पखंड छड़दे असी क्यों दूजियां छोड़ी ले पखंडा सानू भी पखंड छड़ कोई बाबा दीप सिंह दे नाते जोत लाई बैठा कोई किसे दे नाते जिहड़ी आपां दरबार साहब कहने ना जोत जगदी उहदा तां कोई मतलब सी वो बजाना चाहते सी जोत पर गुरु दे सिख सरोवर दे विचों दी हुंदिया हुंदिया अपनी मौत नाल खेड के भी कि असी दीवा जगाना जाके वो जोत जगानी है जाके वो बुझन देंदे सी कहिंदे बुझा देनी तुहाडी जोत ते गुरु दे सिख कहिंदे सी असी दीवा जगाना जाके पर असी किहड़े पासे तुर गए असी एवें इन्ना घ्यो तुसी जिन्ना ते गुरुद्वारे च फूक रहे हां इन्ना घ्यो किते किसी गरीब नूं दे दे
किसी के बच्चा होने वाला उन्हें दे दो, किसी के मुँह च पै जाए एवें जो फूकी जाते जी, छोटी ले पखंडा नाम लिए जाए। असल जड़ा नाम लेना जो ने तारना तो उन्हें जोत ने तार देना जी, जोत तो सारे दे अंदर जाग रही है। सब में जोत जोत है सोई तिस दे चानन, सब में चानन होए। पर किमें पता लगना है गुर साखी जोत प्रगट होए, गुरु की सिक्ख्या चलांगे तां जोत प्रगट होएगी। इस करके भाई आप भी सारे ने जो भी चलता है धर्म चलता धर्म के नाते, कर्म धर्म पखंड जो दिसे तिन जम जगाती लूटे, निर्वाण कीर्तन गावो करते का निमक सिमरज चूते, संतो सागर पार उतरिए जे को बचन कमावे संतन का, सो गुर प्रसादी कोड़ तीर्थ मजन इस नाना, इस काल में मैल परीजे साध संग जो हर गुण गावे, सो निर्मल कर वेद कतेव सिमरत सब शास्त्र। सुन लो इन पढ़िया मुक्त ना पढ़िया भी मुक्त नहीं होनी जे, एक अखर जो गुरमुख जापे तिसकी निर्मल। ते महाराज ये उपदेश सिखां वास्ते कि खत्रियां वास्ते नहीं मारे कहिंदे, ये उपदेश सारिया वास्ते क्योंकि हरेक धर्म विच ही पखंड है। महाराज धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह कहिंदे खत्री ब्राह्मण सूद वैस उपदेश चौं वरना को सांझा, गुरमुख नाम जपे सो उधरे कल में कट कट नानक मांझा। नाम जपेगा तो तरेंगा, छोटी ले पखंडा नाम लिए जाए तरंदा, नाम जपेगा तो तू तरेंगा। कबीर बाबा कबीर जी वेखो क्योंकि शब्द फिर आई जाते ना, कबीर मुला मनारी क्या चढ़ी साई न बैरा होए, जा पीतर तू बांग दे कट ही पीतर जोए। तू बाहर जो एनिया बांगा दे जाने कि अंदर ही वाहेगुरु कर हां भी, अंदरों प्रगट तो अंदरों होना बाहरों थोड़ी प्रगट होना। इस करके भाई गऊ ब्राह्मण को कर लाओ, आओ आप पैरा पूरा करिए। कहिंदे उहने गऊ नूं तू टैक्स ला रहा है, ब्राह्मण कह रहा उन्हों खत्री नूं कह रहा भी तुम्हें तो खत्री है, तू भी तो चौंका इहदे नाल सुच्चा करना है। गऊ ब्राह्मण को कर लाओ गोबर तरना, ये गोए नाल तो नहीं तरिया जाना, पोचा मार के तो कला नहीं तरिया जाना। तोती टिक्का तै जप माली धान मलेचा खाई, तू धोती भी पाई है टिक्का भी लाया है माला भी पाई है। तो महाराज ने धान तू जिन्हों तू मलेश कहना क्योंकि नौकरी करता सी मुसलमाना दी, क्योंकि गुलाम बंदा भी नहीं होना चाहिए, गुलामी भी बड़ी माड़ी है। पर तू धान उन्हों का खाना मुसलमाना का जिन्हों तू नाले कहना मलेश ने वो तो नाले धान उन्हों का खाना। धान मलेचा खाई अंतर पूजा पड़े कतेबा संजम तुरका पाई। तू अंदर अपने घर दे उन्हें अलमारी जी बनाई हुंदी सी छोटी जी, पता ना लगे मुसलमान पता ना लग जावे कि भी ये पूजा अपनी करता, उन्हें छोटी जी बारी जी बनाई हुंदी सी तो उन्हें गोटा ढक देंदा सी। अंदर वड़ के की करता सी अंतर पूजा पड़े कतेबा, महाराज कहिंदे भी अंदर तू पूजा करने उत्थे टिक्का भी विचारा लांदा सी हौली जी लोक के, तो बाहर आके पहुँच देंदा सारा कुछ भी उन्होंने मुसलमानों नूं पता ना लग जावे। उत्थे पढ़ रहा है पुराण तो बाहर आके कुरान की सिफत कर रहा है भी तुहाडा कुरान बड़ा वधिया है जी, उन्हूं पढ़न लग पैंदा जान के उन्होंने मुसलमानों नूं खुश खुश करने वास्ते। महाराज कहिंदे अंतर पूजा पढ़े कतेबा संजम तुरका भाई, तो बोली तू उन्हां दी बोलदा पिया किन्हां दी मुसलमानां दी, संजम तुरका भाई तां ही कहा इह पखंड चढ़ दे इक्को वर्गा बन जाए। छोटी ले पखंडा नाम लिए जाए तरंदा, तू ये सारे भाई पखंड चढ़ दे ते नाम लैके ही तरिया जाना। अगली पौड़ी भी इसे तरह क्योंकि महाराज ने ये सासा दी वार आप सुते सुत्या पढ़ी अर्थ पढ़े नहीं, इन्हें बख्शिया किसी ने नहीं,
मानस खानी करे निवार छुरी वगायन तीन गलत की आप कल करांगे आप भी सारे ने पखंडवाद भाई जो धर्म के नाते आप करने सब ने छड़ देने साफ सुथरे हो जाओ उस दरगाह दे विच उत्थे नहीं उत्थे सचो ही सच निबड़े चुन वक कढे जज मालिया थाउ न पाएन कूड़ियार मूह काले जोजक चालिया तेरे नाए रते जेडे नाम विच रते होणगे ओ खुशी नाल जाणगे तेरे नाए रते से जिन गए ओ जित के जाणगे हार गए से ठगण वालिया लिख नामे धर्म उत्थे सचो सच नहीं बढ़ना जी ना साडा चोला वेख्या जाणा ना मेरी श्री साहब वेखी जानी ना मेरा कड़ा वेख्या जाना भी भेख बड़ा वधिया उत्थे की वेचे बाचे जाने ने जी काम भी उत्थे जाके ठग के किन्ना नूं आया करदा की रहा धर्म दे नां ते उत्थे भाई सारिआं दा अपना वैचा जाणा सब ना कादर लेखा होए करनी बाजो तरे ना कोई करमा तो बिना नहीं तरिया जाणा जो इस करके भाई सारिआं संगतां दा कोटान कोट धन्नवाद सारिआं नूं जीव आया नूं गुरबाणी दी विचार करदे आं सिमरन करदे आं बेअंत बेअंत भुला होणीआं सुभावकां नूं संगत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी बख्शनहार हन बख्श लैन आओ फते बुलाओ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी।